नमस्कार। भीमा कोरेगांव के केस में पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी की है वो दर्दनाक तो है ही, लेकिन लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी है। अगर पुलिस के पास कोई सबूत होता तो ये सवाल नहीं उठता, लेकिन आज तक पुलिस ने कोर्ट में या बाहर कोई सबूत नहीं पेश किया है और ये कहा है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता कानून के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने माओवादी कहा है और ये भी कहा है कि इन्होंने प्रधानमंत्री और देश के कुछ बड़े नेताओं को खत्म करने की साजिश बनाई थी। क्या ये सच है? क्या पुलिस के पास कोई सबूत है? मुझे नहीं लगता कि पिछले 3 महीने में पुलिस कुछ सबूत दे पाई है जिस पर हम विश्वास करें। यह कहानी हमें पहले से देखनी चाहिए। भीमा कोरेगांव की एल्गार परिषद 31 दिसंबर 2017 को पुणे में शनिवारवाड़ा के मैदान पर हुई थी। उस परिषद के बाद दूसरे दिन 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में जो अंबेडकरवादी जनता वहां जाती है उनके ऊपर हमले किए गए थे। हिंदुत्ववादी संगठन के नेता मनोहर तथा संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे पर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया गया था। यह जो FIR दाखिल हुआ था उसी FIR के आधार पर पूरी कार्रवाई चल रही है। आपको मालूम होगा कि इसमें से मनोहर भिड़े जो प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के करीबी है उनके ऊपर आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, इतना कि इनकी इंक्वायरी भी नहीं हुई। लेकिन मिलिंद एकबोटे को गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया और आज वो बेल पर बाहर है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां दूसरी कहानी शुरू होती है। मिलिंद एकबोटे के गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस ने जून महीने में 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस का पहले कहना था कि ये कार्यकर्ता भीमा कोरेगांव एल्गार यात्रा के आयोजक है और इनको माओवादियों ने मदद की है। फिर पुलिस ने कहा कि ये कार्यकर्ता प्लॉट टू किल प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के मारने की साजिश में भी शामिल है। आज भी पुणे पुलिस इस मामले में बिल्कुल ही कंफ्यूज लगती है। एक और पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि इन माओवादियों ने भीमा कोरेगांव यात्रा को फंडिंग किया है और दूसरी ओर वो कहते हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं को मारने की एक बड़ी साजिश रची थी। सच क्या है हमें मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं पिछले 3 महीने में क्या हुआ। 6 जून को 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उनको कोर्ट में लाया गया। कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रधानमंत्री को खत्म करने की साजिश के बारे में कुछ नहीं कहा। पिछले 3 महीने में कम से कम 4 तारीख हो गई, एक भी तारीख पर इस मामले में कोई सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। जिनको गिरफ्तार किया गया था वो कार्यकर्ता पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में जा चुकी, इंक्वायरी खत्म हो गई। कानून के मुताबिक 3 महीने में यानी 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। आज तक इस जून के मामले में पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं की है और चार्जशीट फाइल किए बिना ही ये नई गिरफ्तारियां की है। इसलिए शक उठता है कि पुलिस के पास सचमुच सबूत है या पुलिस किसी राजकीय दबाव में काम करना चाहती है। पुणे पुलिस ने की हुई नई गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और पुलिस को लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को आप पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते, आप 6 सितंबर तक इनको हाउस अरेस्ट में रखिए। लेकिन उसके पहले जब वरवरा राव और बाकी लोगों को कोर्ट में हाजिर किया गया तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह आरोप लगाया कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री और अन्य बड़े नेताओं को मारने की साजिश रची है।
इसके लिए इन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सिर्फ कहानी बताई, कुछ सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया। रिमांड नोट में भी इसका कहीं मेंशन नहीं है। पुलिस यह कहना चाहती है कि ये लोग बड़ी साजिश रच रहे थे। देखिए पुलिस ने किनको अरेस्ट किया है। पुलिस में सुधा भारद्वाज को अरेस्ट किया है, गौतम नवलखा को अरेस्ट किया है, महाराष्ट्र के आंबेडकरवादी विचारक डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को भी इन्होंने रेड किया था, इनके घर में भी इन्होंने रेड करके कुछ चीजें अपने हिरासत में ली थी। इन तीनों लोगों का नक्सली आंदोलन के साथ कोई संबंध नहीं है। सुधा भारद्वाज एक वकील है, कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए काम करती है। गौतम नवलखा के बारे में हम जानते हैं कि वो कई सालों से ह्यूमन राइट पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े तो एक बड़े कॉरपोरेट मैनेजर भी थे, लेकिन आजकल गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में वो अध्यापक है और EPW इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली में वो हमेशा लिखते हैं। ऐसे लोगों को अगर सरकार या पुलिस नक्सली बताती है तो पुलिस पर या सरकार पर कौन विश्वास करेगा। ये लोग अहिंसा पर विश्वास रखते हैं, अपना जो कुछ काम ये लोग करते हैं कानूनी दायरे में करते हैं, फिर भी पुलिस ने आरोप लगाया है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को मारने की साजिश बनाई है। आज तक मैंने इस केस के सारे पेपर देखे हैं, आज तक पुलिस ने एक बार भी कोई सबूत पेश नहीं किया है, पिछले गिरफ्तारी के बारे में भी और इस गिरफ्तारी के बारे में भी। पुलिस ने इन सारे लोगों पर UAPA लगाया है। UAPA एक ऐसा कानून है जो आपको बेल मिलने नहीं देता। UAPA एक लोकतंत्र विरोधी कानून है, इसको हटाने की मांग पुरानी है, लेकिन आज पुणे पुलिस UAPA का इस्तेमाल करके इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में भेजना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जवाब देना होगा कि ये सारी चीजें सरकार क्यों कर रही है, पुणे पुलिस क्यों कर रही है। मेरा मानना यह है, एक तो संभाजी भिड़े या मनोहर एकबोटे जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का जो आरोप था, जो फोकस था, उसको हटाने के लिए पुलिस ये दूसरी कहानी रच रही है, जिस कहानी में कोई दम नहीं है, जिस कहानी को साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाल ही में महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि पुलिस ने गौरी लंकेश और दाभोलकर हत्या के मामले में सनातन से संबंधित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है इसमें से दो डॉक्टर दाभोलकर के शूटर्स हैं, इनके पास से एक रिवॉल्वर भी पाया गया है। ये सारे लोग आज पुलिस के हिरासत में हैं। जो राजनेता है, खास करके हिंदुत्ववादी राजनेता है, इन गिरफ्तारियों के बाद बड़े अस्वस्थ चल रहे हैं। उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, हमारी ही सरकार है इनको गिरफ्तार कर रही है। एडवोकेट मिहिर देसाई जैसे ह्यूमन राइट लॉयर का यह आरोप है कि ये सारी सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां सनातन पर जो फोकस है उसको हटाने के लिए की गई है। मैं मानता हूं कि इस आरोप में कोई तथ्य हो सकता है, क्योंकि पहले सारा फोकस सनातन उनके साधकों की गिरफ्तारियों पर होता था। पिछले दो दिन से यह सारा फोकस वापस भीमा कोरेगांव पर आ गया। क्या यह पुलिस की कुछ राजनीति है, या पुलिस के जरिए सत्ताधारी दल या सरकार कोई राजनीति खेल रही है? इसको समझना होगा, इसको जांचना होगा और इसके मूल तक जाना होगा, क्योंकि यह बड़ा मामला खतरनाक है। एक और आप कहते हैं कि हम लोग गौरी लंकेश और दाभोलकर की हत्या के जो आरोपी है
इनके पीछे है, इनको पकड़ रहे हैं। ये सारी जांच जो है हाईकोर्ट के निगरानी में चल रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप इस जांच से लोगों की नज़र हटाने के लिए आप इस तरह का एक माओवादी मामला तैयार करते हैं तो ये बिल्कुल खतरनाक है। अगर इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाती तो क्या होगा? इन कार्यकर्ताओं की जो बदनामी आज मीडिया में हुई है, इनको तो भाजपा ही अर्बन नक्सल कह रहे हैं। ये जो बदनामी है, ये जो गलत प्रचार है, इसको कौन रोकेगा? जो बदनामी हुई है उसको आप कैसे भर पाएंगे? ये सारे सवाल उठते हैं। और फिर हमें मोदी सरकार को ये पूछना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? पिछले 4 साल में आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इस देश में अच्छे दिन लाने का आपने वादा किया था, वो अच्छे दिन नहीं आए, इसलिए आप ये सारी चीज़ कर रहे हैं। जो सुधा भारद्वाज आदिवासियों के लिए काम कर रही है, कोई ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा है, कोई दलितों के लिए काम कर रहा है, कोई गरीबों के लिए काम कर रहा है, वही आपको नक्सली लगते हैं? ये सारे कार्यकर्ता जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। सरकार इनको ही क्यों टारगेट कर रही है? क्योंकि सरकार को डर लगता है कि अगर ये आलोचना करे तो वो सरकार को बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए जो आलोचक है, जो कड़ा आलोचक है, उसको ही सरकार पहले टारगेट कर रही है। लेकिन पहले जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही खतरनाक खेल है। इस तरह से आप अगर विरोधियों को टारगेट करें तो लोकतंत्र कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में डिसेंट, विरोध एक प्रेशर कुकर के वॉल जैसा है। अगर ये वॉल आप बंद करोगे तो प्रेशर कुकर जो है उसका ही विस्फोट हो जाएगा। तो इस प्रकार डिसेंट या विरोध को खत्म करना डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बड़ा खतरा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर हमें विचार करना होगा, इसके ऊपर सरकार को विचार करना होगा। लेकिन अगर सरकार सोचना चाहती है तो ही विचार करेगी। मोदी सरकार सोचना चाहती है या नहीं, ये हमें मालूम नहीं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। 1 जनवरी 2018 से भीमा कोरेगांव का मामला आज तक चलता आया है। जो गुनहगार थे, जिनके ऊपर आरोप थे, जिनके खिलाफ पहले FIR लगाए गए थे, उसमें से एक मनोहर भिड़े आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरे मिलिंद एकबोटे गिरफ्तार हुए, जेल में गए, लेकिन वापस बाहर आ गए। इनके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये नई कहानी रची गई है। हम लोगों को सोचना होगा कि इस प्रकार का मामला, अगर सरकार झूठा मामला अगर सरकार खड़ा करती है तो हम लोगों को क्या करना होगा? आज सुधा भारद्वाज या आनंद तेलतुंबड़े या फिर गौतम नवलखा पर रेड हो सकती है, तो कल हमारे घर पर, हमारे जीवन पर, हमारे कार्यालय पर या हमारे किसी कार्यक्षेत्र पर भी रेड हो सकती है। हर नागरिक को यह सोचना होगा, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं का, चंद कार्यकर्ताओं का यह सवाल नहीं है, यह सवाल लोकतंत्र का है और हर नागरिक का है।